दोस्तों कैसे करें ब्रेक अगर हो पासवर्ड प्रोटेक्ट। सो दोस्तों पासवर्ड प्रोटेक्ट शीट अगर आपके पास है और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरह से आप प्रोटेक्शन हटा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो पे किस तरह से आप प्रोटेक्शन हटाएंगे अगर शीट पे पासवर्ड डाला हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास एक फाइल है जो कि एक शीट पे पासवर्ड प्रोटेक्शन डाला हुआ है जो कि है बुक वन। तो चलिए करते हैं इसको डबल क्लिक और करते हैं ओपन, और आप यहां पे देख सकते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है वो यहां पे ओपन हो चुका है। और आप किसी भी सेल पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि ये जो शीट है वो सिर्फ रीड ओनली के लिए है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड शीट है। सो दोस्तों अब दिक्कत है, आप तो पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरह से आप करेंगे अनप्रोटेक्ट। तो चलिए करते हैं इसको अनप्रोटेक्ट। तो इसको करते हैं फिलहाल क्लोज, और आपको जाना है उस फाइल पे और उस पे करना है राइट क्लिक और चूज कर लेना है प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज चूज करेंगे तो उस फाइल का प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तब जाके आपको क्लिक करना होगा चेंज पे, और चेंज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लेना है WinRAR आर्चिव। WinRAR आर्चिव पे क्लिक करते हुए आपको करना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कर लेना है अप्लाई देन ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एक्सेल फाइल है वो WinRAR फाइल पे कन्वर्ट हो चुका है। अब करना है इसको डबल क्लिक, WinRAR ओपन हो जाएगा और आपको लेना है यहाँ से एक्सेल फोल्डर को, और एक्सेल फोल्डर पे डबल क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे आना है वर्कशीट। वर्कशीट पे आने के बाद दोस्तों शीट वन जो है उसको ड्रैग करके आप डेस्कटॉप पे लेके आ जाइए। जब आप डेस्कटॉप पे छोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट वन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है, इस पे सिंपली राइट क्लिक करना है और एडिट पे करना है क्लिक। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो नोटपैड पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड ऑप्शन आपको लाना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोटेक्ट। जब आप प्रोटेक्ट लिखेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कर्सर आपको लेके जाएगा। सो दोस्तों आपको करना है यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे रखना है कर्सर और इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरा। इतना तक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको करना है डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों फिर से करना है इसको सेव। फाइल पे क्लिक करना है और सेव पे अगेन क्लिक करना है और इसको कर देना है क्लोज। फिर से शीट वन को ड्रैग करते हुए आप WinRAR फाइल जो ओपन किया हुआ है उस पे छोड़ देना है। जब भी आप छोड़ेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, आपको करना है ओके। तो शीट वन जो है वो फिर से रिप्लेस हो चुका है WinRAR आर्चिव फाइल पे। सो दोस्तों अब भी करना है इसको क्लोज, और फिर से जाना है वापस उस फाइल पे और करना है राइट क्लिक और चेंज कर देना है प्रॉपर्टीज पे जाके एक्सेल पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल अब ले लेना है। फिर से करना है ओके, फिर अप्लाई देन ओके। फिर से वापस एक्सेल पे आ चुका है वो फाइल। अब करते हैं डबल क्लिक, फिर से ओपन, और अब आप यहां पे देख सकते हैं कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, आपका जो प्रोटेक्शन था वो यहाँ से हट चुका है। सो दोस्तों उम्मीद है आप आसानी से पासवर्ड प्रोटेक्शन हटा सकते हैं अपने शीट पे और अपना फाइल को एज यूजुअल यूज कर सकते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं पासवर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पासवर्ड को ब्रेक करके अपना फाइल वापस ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे लाता रहता हूँ।